नमस्ते, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम सेकेंड पेपर के अंदर 17th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। 17th चैप्टर का नाम है विटामिन ए। विटामिन ए मैंने पहले भी बताया था, विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो चार विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इनके अलावा बच गए विटामिन विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन हैं, थायमिन, नियासिन वगैरह, राइबोफ्लेविन, ये सारे के सारे आते हैं जल में घुलनशील विटामिन में। अब हम आज पढ़ेंगे विटामिन ए क्या है। वैसे सभी जानते हैं विटामिन ए अगर बात आती है तो आँखों के लिए इसको अच्छा माना जाता है। विटामिन ए जो रहता है, सबसे पहले खोज इसी विटामिन की हुई थी। इसकी खोज जब हुई थी तो ये पता लगाया गया था कि जो प्राणी भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। वनस्पति जगत से जो स्रोत प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि गाजर वगैरह है, पपीता वगैरह है, इनमें भी विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन कैरोटीनॉइड्स के रूप में पाया जाता है। ये कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं हमारे शरीर में जाने के बाद विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसके जो स्रोत हैं, सबसे अच्छा पाया जाता है प्राणी भोज्य पदार्थ। प्राणी भोज्य पदार्थ सभी समझते हैं, मांस, मछली, अंडा, यकृत वगैरह जो चीज़ें लेते हैं हम लोग, लीवर वगैरह, इन सभी में पाया जाता है। दूसरा, वनस्पति स्रोत में जो पाया जाता है, जैसे कि पपीता वगैरह है, गाजर है, इनमें भी पाया जाता है, लेकिन इनके अंदर कैरोटीनॉइड्स के रूप में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में पहुंचा, शरीर में जाकर किसमें बदल जाएगा, विटामिन ए के अंदर। वरना ये किस रूप में मिलता है, कैरोटीनॉइड्स के रूप में मिलते हैं। अब आते हैं विटामिन ए की जो कार्य है उनके बारे में। तो विटामिन ए का सबसे प्रमुख कार्य है देखने में, यानी कि हमारे जो सामान्य दृष्टि प्रदान करने में ये सहायक होते हैं। आप सभी ने देखा होगा अंधेरे में देखना और एक उजाले में देखना, ये दोनों जो प्रक्रिया होती है किसके माध्यम से संपन्न हो पाती है, विटामिन ए के कारण। विटामिन ए जो होते हैं नेत्र दृष्टि पटल में दो प्रकार के जो कोश पाए जाते हैं, एक तो होता है छड़ और एक होता है शंकु। यह क्या करते हैं, मंद और तेज रोशनी, मंद यानी कि अंधेरा और तेज रोशनी यानी कि तेज उजाले में भी देखना, हमारा मतलब एकदम देखना और रंगों को पहचानने की जो प्रक्रिया रहती है उसमें सहायक होते हैं। रंग प्रदान करने वाले वर्णक भी पाए जाते हैं, छड़ में रोडोप्सिन और शंकु में आइडोप्सिन पाया जाता है, जो कि हम जैसे तेज धूप से आ रहे हैं तो हमारी आंखें जो धुंधला जाती है वगैरह, तो इन सभी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए, साथ ही अंधेरे में भी हम रंगों को देख सके या अंधेरे में भी हम किसी वस्तु को पहचान सके, तो इसमें जो होते हैं विटामिन ए अच्छी तरीके से सहायता करते हैं। दूसरा जो विटामिन ए का कार्य है वो है एपिथीलियम ऊतकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में। तो विटामिन ए क्या करते हैं, एपिथीलियम ऊतक है उसकी क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का मतलब है उसको कार्य करने की जो क्षमता है या कार्य करने की जो उसकी स्थिति है उसको बनाए रखते हैं, साथ ही उसकी स्थिरता रखने में भी सहायक भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं कि जो ऊतक होते हैं उसमें से श्लेष्मा यानी कि एक तरल पदार्थ को स्रावित होने देते हैं, जो कि अंग जो होते हैं उनको जीवाणुओं, बाहरी जो अवशेष है, विषाणु है या रोगाणु है, उनसे सुरक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हीं के एक प्रकार के एंजाइम या हार्मोन का स्त्राव करते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया, वायरस पहुंच रहे हैं हमारे शरीर में उनसे उसकी सुरक्षा करने में सहायक होते हैं। फिर आ गया शारीरिक वृद्धि। विटामिन ए का जो अगला कार्य है वो है शारीरिक वृद्धि। अब विटामिन ए क्या करते हैं, कोशिका के जो विभाजन की प्रक्रिया है उसको 30% तक कम कर देते हैं। जब कोशिका विभाजन ही नहीं होगा, कोशिकाएं टूटेगी नहीं, तो उनकी मरम्मत की भी आवश्यकता नहीं होगी, नई कोशिकाओं के निर्माण की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी टूटने की दर में क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो जो कोशिका बनी रहेगी तो हमारी शारीरिक वृद्धि विकास बढ़वार है वो क्या होगा, आसानी से हो पाएगा। तो विटामिन ए के हमने जो अभी तक कार्य पढ़े हैं, पहला कार्य क्या था, सामान्य दृष्टि,
ठीक है। दूसरा कार्य था एपिथीलियम, उत्तक का स्वास्थ्य। और तीसरा हमने पढ़ा वो था शारीरिक वृद्धि। देखिए विकास और वृद्धि दोनों ही अलग चीजें। वृद्धि का मतलब होता है बढ़वार, बढ़वार यानी कि बढ़ना, फैलना, ठीक है, बढ़ना हो गया और फैलना हो गया। विकास का मतलब होता है जब हम कुछ व्यवहार सीखते हैं, कुछ गुणों में जो वृद्धि होती है उनको कहा जाता है विकास, यानी कि एक्सपीरियंस कह सकते हैं, अनुभव कह सकते हैं, या जैसे कि शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, बौद्धिक हो रहा है, गत्यात्मक हो रहा है, ये जो सभी सामाजिक विकास यानी कि समाज में रहना वगैरह, ये सब विकास के अंतर्गत आते हैं। अब शरीर का विकास वृद्धि तो हो गई, यानी कि लंबाई भी बढ़ गई, चौड़ाई भी बढ़ गई, ठीक है। अब उन्हीं के साथ कार्य करना, सामंजस्य करना, उन सभी को भी क्या कहा गया है, विकास ही कहा गया है। फिर है प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य में सहायक है। अगला कार्य क्या हो गया, प्रजनन स्वास्थ्य, यानी कि प्रजनन अंग सुचारू रूप से कार्य कर पाए, उनसे जो उनका जो कार्य है वो सही प्रकार से हो पाए, नियमित रूप से हो पाए, उनमें किसी भी प्रकार के कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, तो इसमें भी क्या करते हैं, अपनी अच्छी तरीके से ये भूमिका निभाते हैं। अगला कार्य है अस्थियों की वृद्धि, यानी कि जो हड्डियों के निर्माण में उनके विकास में भी सहायक होता है। फिर आ गया संक्रमण का प्रतिरोधक। संक्रमण सबसे पहले हम समझ लेते हैं, संक्रमण, संक्रमण का मतलब होता है जब कोई रोग के जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है या वायरस, वो हमारे शरीर में पहुंच गए, पहुंचने के बाद क्या करते हैं, वहां पर अपना जो कार्य है वो करना शुरू कर देते हैं, यानी कि बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं, यानी कि संक्रमण फैला दिया, रोग फैला दिया। अब ये रोग जो है हम जब किसी और के संपर्क में आएंगे तो उसमें भी फैल जाएगा, तो ये हो गया संक्रमण। अब संक्रमण से बचाव कौन करता है, विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए प्रतिरोधकता का कार्य करता है, यानी कि जब रोगाणु या वायरस कोई हमारे शरीर में पहुंचे तो ये क्या करेगा, विटामिन ए उससे लड़ेगा, उसमें जो प्रतिरोधकता गुण पाया जाता है जो कि उनको नष्ट कर देगा, उन रोगाणुओं को, और रोगाणुओं को ख़त्म कर देगा, जिससे कि कोई भी बीमारी है या रोग जो रोग है वो हमारे शरीर में देखने को नहीं मिलेगा। फिर आ गया श्वेत रक्त कणिकाओं को स्वस्थ रखना, WBC, ये पहले भी चैप्टर में बात हुई थी। WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका कार्य होता है हमारे शरीर के आने वाले जितने भी बैक्टीरिया है, रोगाणु हैं, उन सभी से लड़ना, उनको नष्ट करना, यानी कि ये हमारे शरीर में होने वाले संक्रमण से बचाती हैं। तो WBC का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा तो क्या करेगी WBC, किसी भी रोग या बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, वायरस के हमारे शरीर में पहुंचने पे उसको तुरंत नष्ट कर देगी या फिर उसको शरीर से निकाल कर बाहर की ओर फेंक देगी। तो अब क्या हो गया, WBC ने अपना कार्य किया तो रोग के जो वाहक थे वो हमारे शरीर में नहीं पहुँच पाए, रोग नहीं फैला पाए, तो हमारा शरीर क्या हो गया, एकदम स्वस्थ हो गया। फिर अगला जो कार्य है विटामिन ए का, वो है अगर देखा जाए तो विटामिन जो ए है वो प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होते हैं, यानी कि इसकी कमी से जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल है उसका चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसके कारण प्रोटीन की सामान्य क्रियाशीलता प्रभावित तो होती है, यानी कि जो उसका प्रोटीन का जो कार्य है वो सामान्य रूप से ही प्रभावित होता है, अधिक प्रभावित नहीं हो पाता है। तो ये हो गए विटामिन ए के कार्य। उसके बाद आता है विटामिन ए की कमी के प्रभाव। जो कार्य हैं वही कमी के प्रभाव के कारण क्या हो जाएंगे, रोग के रूप में दिखाई देंगे या प्रभावित हो जाएंगे। सबसे पहला तो होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो गया यहाँ पर, रतौंधी रोग। रतौंधी रोग का मतलब है देखने में कमी आ जाना।
रतौंधी के लक्षण विटामिन ए की हीनता के कारण होते हैं। इसमें कम प्रकाश या फिर उसमें हमको ठीक से दिखाई नहीं देता है। विशेष रूप से जब हम उजाले से अंधेरे में आते हैं तो आंखें जो होती है वो चौंधिया जाती है, यानी कि एकदम से धुंधलापन आ जाता है, हमको कोई भी साफ दिखाई नहीं देता है। दूसरा रोग होता है इसके कारण ज़ेरोफथैल्मिया। अगर विटामिन ए लंबे समय से कमी बनी रहेगी तो क्या हो जाएगा, उसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी, यानी कि कमी के लक्षण देखने को मिलेंगे। इसमें आंखों की जो कॉर्निया वाली झिल्ली होती है वो सूख जाती है और सूख कर उसमें क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। अब कॉर्निया में सूजन आ गई, कैरोटिनाइजेशन की क्रिया होने लग गई। अब कैरोटिनाइजेशन के कारण क्या हो जाएगा, कॉर्निया का जो भीतरी है, भीतरी यानी कि अंदर का जो भाग है वो धुएं युक्त बादल में बदल जाता है, यानी कि आंखों के ऊपर देखने में वाइट वाइट एकदम परत दिखाई देने लगती है, जिससे धीरे धीरे हमारे आंखों की रोशनी होती है वो नष्ट हो जाती है। अब क्या हो गया, हमारी आँख है, ठीक है, आँखों पे यहाँ से जो वाइट हिस्सा है वो बढ़कर हमारे लेंस वाले हिस्से पर भी आ जाएगा और आँख पूरी क्या हो जाएगी, सफ़ेद हो जाएगी, जिसके कारण हमको देखने में क्या हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। और एक समय बाद पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाएगा। फिर आता है बिटॉट का धब्बा, तीसरा जो बीमारी है वो है बिटॉट का धब्बा। बिटॉट का धब्बे का मतलब है कि जब आंख की कंजक्टिवा जो एपिथीलियम है उस पर सफ़ेद रंग का तिकोण एक धब्बा बन जाता है। तिकोण का मतलब जो हमारा कंजक्टिवा वाला हिस्सा है, तिकोण धब्बा बनने लगता है और धब्बे नुमा संरचना हमको दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, हमारे देखने की जो क्रिया है वो सामान्य रूप से प्रभावित हो जाएगी। फिर आ जाता है केरेटोमलेशिया। आँख से संबंधित विभिन्न रोगों को की अंतिम अवस्था जो होती है वो है केरेटोमलेशिया। इसमें कॉर्निया जो है वो बहुत कोमल है, उस पर घाव हो जाते हैं, बैक्टीरिया आक्रमण कर देते हैं, यानी कि लाल लाल हो जाती है आँख, आँख पूरी तरीके से देखने की जो हमारी क्षमता है वो नष्ट हो जाती है, यानी कि ऑपरेशन के माध्यम से भी अगर देखा जाए तो वापस उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो चौथा रोग कौन सा हो गया, केरेटोमलेशिया। फिर आ गया शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी, जो हमने पढ़ा था इसका कार्य है, क्योंकि क्या हो जाएगा, कोशिका का वापस से विभाजन शुरू हो जाएगा। कोशिका विभाजन शुरू हो गया तो उसमें क्या हो गई, हमारी शारीरिक वृद्धि में रुकावट हो गई, कोशिकाएं नष्ट होने लग गई, वापस उसके निर्माण में समय लगेगा, नई कोशिकाएं बनेगी, पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत होगी, तो प्रोटीन का क्या हो गया, आधे से ज़्यादा हिस्सा नई कोशिकाओं के निर्माण में लग गया। तो प्रोटीन का कार्य है निर्माण करना, अब प्रोटीन अपना कार्य नहीं कर पाया तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे जो शरीर की वृद्धि विकास है वो सामान्य रूप से रुक जाएगा और व्यक्ति की वृद्धि कम हो जाएगी, यानी कि उसकी हाइट कम हो जाएगी। अगला है प्रजनन क्षमता क्षीण होना। प्रजनन क्षमता क्षीण होने का मतलब यही है कि जो संतान उत्पत्ति की क्षमता में कमी आ जाएगी, बांझपन या नपुंसकता वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब ये विटामिन ए की अधिकता के प्रभाव, तो विटामिन ए की अधिकता का प्रभाव अगर देखा जाए तो अधिकता का पहला प्रभाव है भूख में कमी। सामान्य रूप से क्या होगी, भूख नहीं लगेगी, भूख में कमी आ गई तो पोषण नहीं हो रहा है। अब पोषण नहीं होगा तो शारीरिक वृद्धि विकास बढ़वा रुक जाएगी, व्यक्ति दुबला पतला कमजोर दिखाई देगा, आलस्य सुस्ती वगैरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब जब भोजन पूरा नहीं मिल पा रहा है, आलस्य सुस्ती स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्रोधी व्यक्ति हो जाएगा, बार बार उसको गुस्सा आएगा, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। जोड़ों का मतलब होता है जिस स्थान से हमारे हाथ पैर या कोई भी अंग है मुड़ सकता है। अब जैसे कि कोहनी वाला हिस्सा हो गया, हमारे कोहनी वाला हिस्सा है, कलाई वाला हिस्सा है, घुटने वाला हिस्सा है, ये सभी क्या है, जोड़ है, जहाँ से हमारे अंग मुड़ते हैं या किसी भी दिशा में घूम सकते हैं, तो इन जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाता है, खासकर हाथों और पैरों के जोड़ों में। आँख की रेटिना में रक्तस्राव होने लग जाएगा, यानी कि आँख में जो रेटिना वाला हिस्सा है वहाँ से रक्त निकलना शुरू हो जाता है, घाव होना शुरू हो जाता है।
यकृत का आकार सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। अब यकृत का आकार बढ़ गया तो यकृत की क्रियाविधि क्या हो गई, प्रभावित हो गई। पैर की हड्डियों में सूजन आ जाती है, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन होने लगता है, व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। अब श्वास लेने में कठिनाई होगी, श्वास नहीं ले पाएगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु की संभावना भी हो सकती है। बालों का झड़ना और होठों पर फुंसियाँ वगैरह भी देखने को मिलती हैं। तो आज हमने पढ़ा विटामिन ए के बारे में कि विटामिन ए जो है सबसे अच्छा प्राणी स्रोतों में मिलता है, और विटामिन ए जो है अगर वनस्पति स्रोत से हम ले रहे हैं तो वो किस रूप में मिलेगा, कैरोटीन के रूप में। अब कैरोटीनॉइड जो है वो हमारे शरीर में जाके किस में बदल जाता है, विटामिन ए में। उसके बाद पढ़ा हमने विटामिन के कार्य, कमी के प्रभाव और अधिकता के प्रभावों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक यहीं पूरा होता है। हमारे जो वसा में घुलनशील विटामिन थे वो सारे पूरे हो चुके हैं, यानी कि विटामिन ए, डी, ई और के। देखो बार बार दोहराया जा रहा है, यानी कि विटामिन ए, डी, ई और जो के हैं वो किस में घुलनशील हैं, विटामिन वसा में घुलनशील हैं ये। उसके अलावा सी बच गया और बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे हैं, नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन वगैरह, और विटामिन सी सभी को पता है, कल मैंने पढ़ाया था स्कर्वी रोग के बारे में। तो ये विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स के जो होते हैं वो किस में घुलनशील होते हैं, जल में। तो ये एक जो इनमें अंतर है वो जरूर याद रखिएगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो यही ख़त्म होता है। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।